तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें क्या कहता है कि ये एक टर्न है जिसका रेडियस जो है, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो ये एक टर्न टर्न है जिसकी रेडियस ऑलरेडी हमें दिया है 20 मीटर। ठीक है, बैंक फॉर ए व्हीकल विथ स्पीड 36, मतलब यहाँ जो है जो टर्निंग है वो 36 किलोमीटर पर आवर से कोई भी स्पीड पॉसिबल है, तो 36 5/18। ठीक ना, तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा तो यह जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से ये मैक्सिमम मुड़, मतलब अभी मुड़ सकता है अभी जब फ्रिक्शन वगैरह, सिर्फ बैंकिंग की बात हो रही है। ठीक है ना, अगर सिर्फ बैंकिंग है तो वो 10 से मुड़ सकता है। अब कहता है अगर कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन भी है म्यू भी, ये हाँ पार्ट, ये पार्ट टू है, केस पार्ट टू है उसी उसी का, उसी मूवी का, मतलब अगर वहाँ म्यू भी 0.4 यूज हो जाए तो अब स्पीड कितना हो गया हो अभी डैश, उसकी कैलकुलेशन निकालनी है। मैक्सिमम स्पीड अब कितना हो गया होगा इसकी कैलकुलेशन हमें करनी है। तो आई होप कि आपको प्रॉब्लम तो समझ में आ गया होगा। पहले पार्ट में अगर तुम सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो पहले पार्ट में अगर तुम देखोगे तो ये जो यहाँ गाड़ी है, और गाड़ी अगर मुड़ती है तो ये वाला जो सर्कल है उसमें मुड़ती है, तो यहाँ जो एंगल ऑफ बैंकिंग है तो ये वाली जो है, हाँ ये हॉरिजेंटल वाली लाइन है और ये थीटा एंगल ऑफ बैंकिंग होता है। रोड ऐसे झुका होता है भाई, थीटा डिग्री झुका होता है मोड़ पे, तो ये एंगल ऑफ बैंकिंग है। तो पहले तो एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा ही नहीं पता है यार, वी डोंट नो अबाउट द थीटा। तो सबसे पहले तो थीटा निकाल लेते हैं पहले केस से, हाँ केस फर्स्ट से, हाँ विद वेन वेन वनली बैंकिंग हो, वनली बैंकिंग हो। ठीक है ना, मतलब फ्रिक्शन नहीं यूज हो रहा है, म्यू अप्रॉक्सीमेटली 0 हो रहा, तो जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो होती है रेडियस आर जी टैन थीटा अंडर रूट, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ और ये वाली चीज़ है। तो मैक्सिमम स्पीड यहाँ से जो टैन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी मैक्सिमम स्पीड का स्क्वायर, मैक्सिमम स्पीड का स्क्वायर अपॉन आर और जी। तो मैक्सिमम स्पीड जो है वो कितना है, तो मैक्सिमम स्पीड देखो भाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 है पहले वाले केस में, और डिवाइडेड बाई रेडियस कितना है 20 है और जी की वैल्यू 10 है। देखो रेडियस 20 है और जी की वैल्यू 10 है यहाँ से, तो फाइनली जो टेन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.5। ये तो ये एंगल ऑफ बैंकिंग है, तो इससे मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। ये दूसरे केस में म्यू भी यूज हो रहा है और बैंकिंग भी है, तो स्पीड कितनी होनी चाहिए पार्ट टू में जो है, म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड टेन थीटा इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, टेन थीटा इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो हमें डायरेक्ट फार्मूला है, वी नो दैट डायरेक्ट डायरेक्ट फार्मूला है, आई होप कि ये फार्मूला आप डिराइव किए होंगे, और मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल में यूज भी किया हूँ इसका। तो डायरेक्ट फार्मूला है जो मैक्सिमम स्पीड है जब ये दोनों यूज होते हैं, तो उसका फार्मूला होता है आर जी टेन थीटा माइनस म्यू, आर जी टेन थीटा माइनस म्यू, और म्यू टेन थीटा प्लस 1। ठीक है, तो ये सब कुछ ब्रैकेट के अंदर रूट के अंदर रहेगा, और ये यहाँ से जो मिलेगा वही जब ये दोनों दोनों रहते हैं, दोनों यूज होते हैं, तो ये इसकी स्पीड होती है। अब आपको एक काम करना है, सबकी वैल्यू डाल देनी है, इस फार्मूले को आप याद कर लो। तो रेडियस आर कितना है भाई 20, जी की वैल्यू 10 है और टेन थीटा 0.5 है प्लस म्यू 0.4 है, और डिवाइड कर देता हूँ मैं, ठीक है ना, 0.4 और मल्टीप्लाइड बाई 0.5 और प्लस 1, ये सब कुछ अंडर रूट। तो यहाँ से जो मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी वी मैक्स वो आती है 14.7 ये आती है मीटर पर सेकंड। तो ये जो है इतना मीटर पर सेकंड आपकी मैक्सिमम स्पीड होगी, जो कि पहले 10 थी, तो अगर फ्रिक्शन भी यूज हो रहा है तो अब जो मुड़ने की स्पीड है वो ज़्यादा हो गई होगी, बढ़ गई होगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।